Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. So students, today I will start class 10 maths probability. So students, video start karne se pehle aapse ek request hai कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट. यानी स्टूडेंट्स, किसी इवेंट के पॉसिबल या इम्पॉसिबल होने में की जो मेज़रमेंट है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. यानी कोई इवेंट कहाँ तक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है या इम्पॉसिबिलिटी है या सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी है, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसमें बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंट की. तो स्टूडेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. तो स्टूडेंट, अगर किसी ऑपरेशन में विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, जो कुछ पॉसिबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं, या वेल डिफाइंड, जो अपने आप में क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो उसको कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट. अब एक्चुअल स्टूडेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट का. क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो ऑल आउटकम्स हैं, ये हमें पहले से पता तो होती हैं, लेकिन द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि उसमें पॉसिबल क्या होगा, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब सपोज करिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थ्रो अ क्वाइन, अगर हम एक क्वाइन को फेंकते हैं तो ये हमें पता है, ये दोनों डिफाइन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि पहले हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब इसकी जो है, जो प्रत्येक पॉसिबिलिटी है, ये कहलाती है स्टूडेंट्स एलिमेंट्री इवेंट. ये इसकी कहलाती है एलिमेंट्री इवेंट. यानी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हेड आएगा या टेल आएगा. तो अब ये दोनों स्टूडेंट्स एलिमेंट्री इवेंट होती हैं, और ये दोनों अलग अलग या इनको एक साथ मिला दें तो हम उसको कह सकते हैं इवेंट. अब स्टूडेंट्स, सर्टेन इवेंट क्या है? सर्टेन इवेंट में अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं तो वो सर्टेन इवेंट होती है. यानी जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होती है वो कहलाती है सर्टेन इवेंट. फिर इसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट जीरो होती है, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट. यानी एक इवेंट की जो मतलब होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हम पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रोबेबिलिटी पी ई ऑफ एन इवेंट ई इज पी ई इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू एम अपॉन एन से. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो से लेकर के कहाँ तक होगी? वन तक. यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से लेकर के वन तक होती है. यानी इसमें जीरो और वन भी इंक्लूड है. देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन इंक्लूडिंग जीरो एंड वन. इसमें जीरो और वन भी क्या है स्टूडेंट्स? इंक्लूड होता है. अब इसके बाद स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन हम देखिए सॉल्व करते हैं. अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रोबेबिलिटी के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन.
तब स्टूडेंट इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1, 2, 3, 4 .. 25 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर सिलेक्टेड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो अब स्टूडेंट्स अगर एक से लेकर के हम 25 तक में बात करें तो इसमें जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे ये स्टूडेंट्स एक इवेंट है कि मल्टीपल ऑफ फाइव हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मल्टीपल ऑफ 5 कौन होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा और 25 होगा। 1 तो इसमें स्टूडेंट कितने नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब इस इवेंट की अगर हम इसको इवेंट ई माने तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 25 तक के नंबर हैं तो ये हो जाएगा 25, तो अपॉन 25 कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1/5। इस तरीके से स्टूडेंट इसको हमें करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है स्टूडेंट्स के अ बैग कंटेन 8 रेड, इसमें स्टूडेंट्स रेड बॉल कितनी है, 8 है, ब्लैक बॉल कितनी है, 2 है और वाइट बॉल कितनी है, 5 है। तो इतनी बॉल है स्टूडेंट्स, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल हो गई 15। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट वाइट। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा कि इसमें से जो बॉल हम ड्रॉ करेंगे वो वाइट नहीं होगी, तो नॉट वाइट। तो अब स्टूडेंट जो वाइट नहीं है वो कितनी बॉल है, 10। तो पी नॉट वाइट इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो 10/15 आएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आया 2/3। कितना आया स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है 2/3, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये हो जाएगा 2/3। इसको ऐसे करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कितने नंबर हैं, ये थर्ड में अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज इज। अब ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में है, ये नंबर दिए गए हैं 3, 5, 5, 7, 7, 7 और फिर 9, 9, 9, 9 ये दिया गया है। अब इतने नंबर में द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज इज, तो अब इसका ये बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर में क्या है थर्ड में, तो स्टूडेंट्स ये नंबर दिए गए 3, 5, 7, 9, 9। अब स्टूडेंट्स इसका एवरेज जो है वो 3 नहीं हो सकता है, यानी इसमें 4 नंबर आए हैं, 3 आया है, फिर इसके बाद 5 है, फिर 7, 7 है, फिर 9, 9 है। तो या तो स्टूडेंट 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा इसका एवरेज, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, तो स्टूडेंट इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो इसकी 1, 3 और टोटल नंबर है 10, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि इसका एवरेज सिलेक्ट करने की वो स्टूडेंट 3/10 हो जाएगी। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स क्या है कि अ नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 द प्रोबेबिलिटी दैट मोड एक्स लेस देन 2 इज। तो अब स्टूडेंट्स मोड एक्स लेस देन 2 जो है, तो अब स्टूडेंट्स -2 की वैल्यू 2 होती है और इसकी तो लेस देन 2 की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो देखिए -1 भी लेस देन 2 है, -1 जो है वो लेस देन
टू होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 सेवन नंबर हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो लेस देन टू। तो अब इसमें स्टूडेंट्स चूंकि मॉड एक्स की वैल्यू कह रहा, तो माइनस वन की वैल्यू जो है वो भी वन आएगी, तो ये लेस देन टू हो जाएगा, फिर वन की वैल्यू भी वन ही आएगी और जीरो। तो ये स्टूडेंट्स तीन नंबर ऐसे हैं माइनस वन जीरो वन, इन तीन नंबर के लिए, चूंकि माइनस थ्री की वैल्यू अगर हम इससे करेंगे थ्री आएगी, तो वो ग्रेटर देन टू हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो सी होगा फोर का, चूंकि तीन नंबर हैं। देखिए मॉड माइनस वन इज इक्वल टू वन आएगा, फिर ज़ीरो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, फिर इस वन की वैल्यू वन आएगी, तो ये लेस देन टू है, ये लेस देन टू है, और ये नंबर भी लेस देन टू है स्टूडेंट्स, ये तीनों नंबर लेस देन टू आएंगे आपके। तो इसलिए इसमें से तीन नंबर हम सिलेक्ट करेंगे और टोटल नंबर है सेवन, अगर उनका काउंटिंग किया जाए तो टोटल नंबर सेवन है स्टूडेंट। तो ये इस क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर था, इस तरीके से हमें करना है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद है कि आपका आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देखिए आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में है राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। तो स्टूडेंट जो श्योर इवेंट होता है इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वन, तो यहां पर इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वन। राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल, तो अगर स्टूडेंट्स कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, तो इसका आंसर जीरो होगा। फॉर एन इवेंट ई राइट अ रिलेशन रिप्रेजेंटिंग अ रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ पी ई, तो ये स्टूडेंट्स इसका ये आंसर है जो हमने लिखा था, इसकी जो रेंज होती है वो जीरो से लेकर के वन तक होती है, यानी किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो से कम नहीं हो सकती और वन से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये स्टूडेंट्स इसका रेंज है। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है स्टूडेंट्स, टू डाइस आर रोल्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन द टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। तो अब स्टूडेंट्स जब हम टू डाइस को रोल्ड करते हैं, दो पासों को जब आप फेंकोगे तो उसमें जो पॉसिबिलिटी बनेगी इस तरीके से बनती, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरीके से स्टूडेंट्स टू में बनेगी 2 1 2 2 फिर .. 2 6, तो इस तरीके के स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी बनती हैं। ऐसे ही 3 के साथ बनेगी, 4 के साथ बनेगी, 5 के साथ, 6 के साथ। तो इसमें स्टूडेंट्स जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स हैं वो होती 36, यानी अगर किसी डाई को दो बार हम स्टूडेंट थ्रो करें तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। अगर हमने इसको दो बार फेंका है तो 6 की पावर 2, तो 36 बनेंगे। अब स्टूडेंट्स इन नंबर का प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, तो 12 कब आएगा देखिए, अगर 1 के साथ हम, चूंकि इसमें 1 से कम नहीं होता नंबर और 6 से ज़्यादा नहीं होता है, तो 1 के साथ स्टूडेंट्स कोई नहीं बनेगा, फिर हम बनाएंगे 2 के साथ, तो देखिए 2 × 6 आएगा, फिर 3 से तो 3 × 4, फिर 4 से करिए तो 4 × 3, 5 के साथ कुछ बनेगा नहीं, 6 के साथ बनेगा 6 × 2, तो 1 2 3 4, टोटल कितनी बनी स्टूडेंट, जो आउटकम्स बनेंगे जिनका प्रोडक्ट जो है 12 होगा वो 4 होंगी। तो इसमें नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो आ गई स्टूडेंट्स 4, तो पी टू डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। तो ये हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट इज 12,
तो स्टूडेंट्स ये आ जाएंगी 4/36, तो ये हो जाएगा 1/9, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट 6 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। 7 क्वेश्चन में क्या है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, यानी इन स्टूडेंट्स 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो है नॉट हैविंग द सेम डे, सेम डे ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है। पी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.992 होगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो स्टूडेंट्स पी जो है अगर देखिए नॉट की दी गई है प्रोबेबिलिटी और हमें फाइंड करना है सेम की, हैव द सेम बर्थडे, तो ये स्टूडेंट्स दोनों इवेंट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट हैं। कौन सी इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट है। तो जब भी स्टूडेंट्स इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वन में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नॉट हैविंग की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो हमारी आएगी ये आ जाएगी 0.00। तो हैविंग द सेम बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट्स, तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी, इसका ये आंसर आ जाएगा 0.008। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है स्टूडेंट्स कि इफ अ नंबर एक्स इज चूजन, इफ अ नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1, 2, 3 एंड अ नंबर वाई इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1, 4, 9 देन फाइंड पी एक्स वाई लेस देन 9। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमें फाइंड करना है कि वो लेस देन 9 आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए लेस देन 9 कैसे आएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये देखिए 3 नंबर दिए हैं 1, 2, 3 और ये दिया है 1, 4, 9। अब स्टूडेंट्स इनका जो प्रोडक्ट है यानी एक्स वाई लेस देन 9, एक्स यहाँ से सिलेक्ट किया गया स्टूडेंट और वाई यहाँ से सिलेक्ट किया गया, तो अब देखिए 1 × 1 तो ये 1 आ गया, फिर 1 × 4 तो ये 4 आ गया, क्योंकि हमें लेस देन 9 चाहिए। अब स्टूडेंट्स 1 × 9 करेंगे तो ये 9 आएगा, तो इसको हमें नहीं लेना है। फिर 2 से करिए मल्टीप्लाई, 2 × 1 तो ये 2 आएगा, फिर 2 × 4 तो ये 8 आएगा, फिर 2 × 9 तो ये 18 आ जाएगा, तो ये लेस देन 19 नहीं है। तो ये होगा स्टूडेंट्स अब 3, तो देखिए 3 × 3 फिर 3 × 4 तो ये 12 आएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ये नहीं चाहिए, और 3 × 9 करेंगे तो ये 27, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स कितने हमें पॉसिबिलिटी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटी हैं। कितनी पॉसिबिलिटी हैं स्टूडेंट्स, 5 पॉसिबिलिटी हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/9। 9 क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि 3 नंबर यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटी थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल पॉसिबिलिटी 9 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/9। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे।